सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी की एक कविता, एक माँ की बेबसी नामक कविता को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता में एक माँ का और एक बच्चे का वर्णन है। कविता बहुत ही सुंदर है। माँ का होना ही सबसे बड़ी खुशी है, माँ के बिना तो सारी खुशियाँ अधूरी हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ रतन, जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वो भी एक बच्चा लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। बच्चों, भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, इसलिए उसने माँ को बनाया है। प्यारे बच्चों, माँ का स्थान सबसे ऊपर है, भगवान के समकक्ष है, इसलिए आप सभी माँ का सम्मान करें, उनका कहना माने क्योंकि वे सदैव आपकी भलाई के लिए ही कार्य करती हैं। बच्चों, इस कविता को आपको 2 बार पढ़ना है, इसके बाद हम आगे आपको कुछ बातें कल बताएंगे। धन्यवाद। बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने सुझाव भी दें। धन्यवाद।